अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन पालक की। इसमें देखिए, इसमें मैंने ये एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दी हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने ना ऑयल डाला है, और अब उसी के साथ में जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो मैं कुछ खड़े मसाले इसमें डालूँगी, जिसमें मैंने डाला है 2 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी, पतली थी इसलिए मैंने 2 डाली, और 2 लौंग इलायची और काली मिर्च और 1 चक्रीफूल, और उसी के साथ में मैंने इसमें डाल दी थी 1 चम्मच ज़ीरा। और अभी ये मसाले हमें हल्का सॉटे करना है, थोड़ा सा भून लेना है हमें इसे, और जब ये भून जाएगा इसमें थोड़ी हल्की सी स्मेल आने लगेगी तो ये समझ जाइए कि हल्का हल्का भुनने लग गया। तो फिर इसी के साथ हमें प्याज डालना है। प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली थी, अब वही प्याज मैं अब इसमें मिक्स करूँगी। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, थोड़ी जो बड़ी रहती है ना वो। अभी प्याज को हमें भून लेना है, गोल्डन ब्राउन जैसा करना है हमें। अच्छे से इसे हम साफ़ कर लेंगे, जो भी बर्तन में प्याज लगी थी उसे पूरी तरह से कढ़ाई में मैंने डाल ली हूँ। और अब इसे मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पे मेरी प्याज अच्छे से भून गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसी के साथ हम मिलाएंगे 1 बड़े चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इस पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे उसकी स्मेल जाने तक का। मिनिमम 1 मिनट तक का फास्ट गैस पे हमें इसे भूनना है। अदरक लहसुन भी भून गया है। अब इसी के साथ में हम 1 टमाटर डाल देंगे। ये मैंने टमाटर भी मैंने 1 ही डाला है, मीडियम साइज़ का है। इसे अच्छे से अब भून लेंगे हम टमाटर को भी, सब कुछ साथ में मिला के अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे टमाटर सॉफ्ट होने जितना। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी मिला दी हूँ और इसे मैंने अच्छे से भून लिया। और अब साथ ही में हम इसमें 2 टीस्पून हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और फिर उसी के साथ में हम कुछ सूखे मसाले भी डाल लेंगे ताकि सब एक साथ में भुन जाए, जिसमें मैंने डाली हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और 2 टीस्पून मैंने डाली हूँ धनिया पाउडर, 1 और ये 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाली थी। और उसी के साथ में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली थी, मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, हल्की सी मैंने लाल मिर्ची डालने के बाद इसमें मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दी हूँ। और अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है। गैस मेरी अभी फ़िलहाल फास्ट है, मैं 1 मिनट के लिए गैस को फास्ट रख के इसे अच्छे से भून लूँगी सारे मसाले को, टमाटर प्याज वगैरह सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा हल्का सा पानी भी डाल दी थी, और इन सबको अब अच्छे से मिला के मुझे भूनना है, खुशबू आने तक का, तेल रिलीज होने तक का इसे मिलना है। और अब देखिए, इसी के साथ में मैंने 1/2 चम्मच जितना चिकन का मसाला डाल दी थी टेस्ट आने के लिए। और अब सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसे। मेन तो हमारा भुनना है, खाने का मेन पर्पस हमारा होता है भुनना। जब तक खाना अच्छे से भुना नहीं जाता है तो उसमें टेस्ट नहीं आता, और खाना जितना स्लो भुना जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, ये मैंने पानी वगैरह डाल के इसे 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसे भून लिया है। और अब इसे मैं स्लो गैस पे करके ढक्कन लगा के इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ये सारे मसाले एक दूसरे के साथ में भून जाएंगे तो हम है ना इसका ऑयल रिलीज़ होगा, तो तब समझ लीजिएगा। ये देखते ढक्कन हटा के, ये देखिए, ये पूरा मसाला मेरा अच्छे से भून गया है। ये देखिए, ये जो ऑयल रिलीज़ होता है ना इसमें, इससे ही पता चलता है कि मसाला कितना अच्छा भुना, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। देखिए, ये पूरी तरह से मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, टमाटर भी पूरा गल गया है,
और अब इसी के साथ में मैं इसमें ही चिकन डाल दूँगी और चिकन डाल के भी मैं इसे भूनूँगी। पालक मैं अभी नहीं डालूँगी, पालक बाद में डालूँगी, मैं आपको बताती हूँ जब। देखिए अब मैं इसमें चिकन डालूँगी, ये मेरे 1.5 किलो जितनी चिकन है। अब ये चिकन डालने के बाद इसे मैं फुल गैस पे इसे अच्छे से भूनूँगी, जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं होता है तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। गैस फुल ही रखना है हमें और पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि खाना बनाने में हमें जितना पेशेंस रहेगा हमारा खाना उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसीलिए कभी भी मसाला हमें स्लो गैस पे भूनना है और धीमे धीमे भूनना है, क्योंकि जितना देर तक मसाला भुना जाएगा ना टेस्ट उतना ज़्यादा आता है। तो देखिए अभी ये मेरा मसाला भी भून गया है, उसमें मैंने चिकन डाल के भून रही हूँ। देखिए कैसे चिकन पे मसाला चिपक रहा है, तो इसका यही है कि मेरे मसाला सब कुछ अच्छे से भून रहा है। जब तक गोश्त का कलर चेंज होने तक का ही हमें भूनना है, चिकन का कलर जब तक चेंज होता है तब तक हमें इसे भूनना है। यहाँ देखिए यहाँ मसाले मेरे अच्छे से भून गए हैं, गोश्त वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया है। देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है पूरी तरह से। देखिए साइड से ऑयल भी रिलीज हो रहा है। अब इसी के साथ में हम इसमें पालक मिला देंगे। मेरे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। पालक को मैंने बारीक चॉप कर ली हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप बारीक चॉप करके ही डालिए, आप थोड़ा मोटा भी काट के डाल सकते हैं या पीस के भी डाल सकते हो, जैसे आपको सही लगे, मीन्स जैसा आपके लिए इजी पड़े वैसा आप करिए। ये मैंने बारीक चॉप कर दी थी इसलिए कि पूरा इसमें घुल जाएगा थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे दाना आएगा ना थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखेगा तो मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने उसे पीसा नहीं था, मैंने बारीक चॉप किया था। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है, चला चला के सब कुछ अच्छे से मिलाना है। अभी गैस मेरी फुल ही है, मैंने गैस को अभी स्लो नहीं किया है। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है, एक दूसरे को यहाँ वहाँ से चला चला के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ देखिए यहाँ मेरे सारे मसाले गोश्त पालक वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इन्हें मैंने 2 मिनट तक का फुल गैस पे अच्छे से भून लिया, ये सब कुछ मिल गए हैं, एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे मैं ढक्कन ढाक के 2 मिनट के लिए नहीं 10 मिनट के लिए इसे मैं स्लो गैस पे रख दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। चलिए मिलते हैं आपसे मैं 10 मिनट के बाद में, जब तक असद मायरा को देखते हैं। की मस्ती देखिए कैसा उसे छेड़ रही है। क्यों छेड़ी उसको, क्यों, लेकिन तूने पहले क्यों छेड़ी, क्यों मारे उसको, मारे क्यों भाई। चूहा बिल्ली हो गए हो दोनों भी। अमायरा अल्लाह अकबर, दोनों चूहा बिल्ली हो गए ना। इनकी तो मस्ती नहीं ख़त्म होगी, इनकी मस्ती तो चलती रहेगी। चलिए देखते हैं हमारा मसाला सालन कैसा बना है, ढक्कन हटा के देखते हैं क्या रिजल्ट है। ये देखिए ये 10 से 12 मिनट हो गया है, बट ये अभी तक पूरा रेडी नहीं है। इसे मैंने बीच में 2 बार चलाई भी थी, थोड़ा सा पानी मिला दी थी,
बाकी तो ये पालक वगैरह का पानी छूटा हुआ है तो इतना ज़्यादा हो गया है। इसे अच्छे से हम एक बार चम्मच से हिला के रख कर देंगे। और देखिए है ऑलमोस्ट तो गोश्त गल ही गया है, बस अभी इसे हमें 5-7 मिनट के लिए और पकाना है। 5 मिनट हो गया है, ये देखिए ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से पक गया है। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिए और कमेंट्स में बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसे लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।